हेलो एवरीवन, ये एसडब्ल्यूडी का पार्ट टू है। पार्ट वन के टॉपिक में हम बताए थे कि एसडब्ल्यूडी का इंट्रोडक्शन बताए थे, इसका प्रिंसिपल बताए थे, देन ब्रीफ कंस्ट्रक्शन बताए थे एसडब्ल्यूडी का, देन प्रोडक्शन ऑफ हीट की हीट कैसे प्रोड्यूस होता है। अब इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि मेथड ऑफ एप्लीकेशन क्या है, कि इसके दो मेथड हैं, एक है कैपेसिटर फील्ड मेथड एंड दूसरा है केबल मेथड। तो इस वीडियो में हम सिर्फ कैपेसिटर फील्ड मेथड के बारे में बताएंगे और उसके बाद हम प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड के बारे में बताएंगे, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, साइज ऑफ इलेक्ट्रोड, स्पेसिंग ऑफ इलेक्ट्रोड एंड पोजिशनिंग ऑफ इलेक्ट्रोड। तो ये कैसे कैसे होता है ये सारे को हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो कैपेसिटर फील्ड मेथड जो होता है, कैपेसिटर, तो कैपेसिटर का मतलब आप समझते हैं कि जो इलेक्ट्रोड है, जो एसडब्ल्यूडी में हम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, वो हम समझते हैं कि वो इट इज एज अ प्लेट ऑफ कैपेसिटर। तो जो कैपेसिटर है, जैसे हम इलेक्ट्रोड कह रहे हैं, तो इलेक्ट्रोड क्या होता है कि हमारे जो बॉडी है, सपोज करो कि ये बॉडी है, ये बॉडी के ईदर साइड में आर प्लेस्ड ऑन ईच साइड ऑफ द पार्ट टू बी ट्रीटेड। जो भी पार्ट जो ट्रीट किया जा रहा है उसके आजू बाजू में रखा जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रोड है, जो एसडब्ल्यूडी का इलेक्ट्रोड है, ये स्किन के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं रहता है, स्किन से इसको सेपरेट किया जाता है बाय द इंसुलेटिंग मटेरियल। इंसुलेटिंग मटेरियल कुछ भी हो सकता है, या फिर बेडशीट का रोल ले लो, या फिर कोई भी जो क्लोथ है जो इंसुलेटिंग मटेरियल का काम कर रहा है तो वो यूज किया जा सकता है। दैट मीन्स कि जो इलेक्ट्रोड है वो स्किन के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं होना चाहिए, वहां पे इंसुलेटिंग मटेरियल होना चाहिए। तो क्या है कि इलेक्ट्रोड एक्ट एज अ प्लेट ऑफ कैपेसिटर, हम बताएं कि ये एक्ट एज अ प्लेट ऑफ कैपेसिटर। और जो पेशेंट है, ये जो पेशेंट का जो पार्ट है जो ट्रीट किया जा रहा है, और इसके बीच में जो इंसुलेटिंग मटेरियल है, ये क्या है आपका, ये इलेक्ट्रोड है, दोनों साइड इलेक्ट्रोड है। ये जो पेशेंट का जो पार्ट है जो ट्रीट किया जा रहा है, और जो इंसुलेटिंग मटेरियल जैसे कि बेडशीट का रोल है या फिर कोई भी क्लोथ है, तो वो जो बॉडी पार्ट है एंड जो इंसुलेटिंग मटेरियल है, ये दोनों क्या एक्ट करेगा, इट एक्ट एज अ डाई इलेक्ट्रोड फॉर द कैपेसिटर। क्योंकि आपको मालूम है कि जो कैपेसिटर है, तो दो कैपेसिटर के बीच में जो एरिया होता है वो क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक होता है। तो डाई इलेक्ट्रिक का काम कौन कर रहा है, आपका ये जो बॉडी पार्ट है और वो जो इंसुलेटिंग मटेरियल है जो कि स्किन को इलेक्ट्रोड से सेपरेट कर रहा है, तो वो क्या करेगा, एक्ट एज अ डाई इलेक्ट्रिक। नाउ व्हेन द करंट इज अप्लाइड, अल्टरनेटिंग चार्जेस आर सेटअप। ऑब्वियसली यहाँ पे एसी करंट यूज होगा, डीसी करंट तो यूज होगा नहीं, तो अल्टरनेटिंग करंट यूज होगा एंड गिव राइज टू अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन देम। अब बात करते हैं कि प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड, ये कैसे कैसे प्लेस किया है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, कि पहले हम बता दें कि कौन कौन से टाइप होते हैं इलेक्ट्रोड के। तो हम टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड की बात करें तो इलेक्ट्रोड कई प्रकार के होते हैं, पैड इलेक्ट्रोड भी होते हैं, प्लेट इलेक्ट्रोड भी होते हैं, डिस्क इलेक्ट्रोड भी होते हैं। और जितने भी इलेक्ट्रोड होते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर एक मेटल प्लेट होता है, और वो जो मेटल प्लेट होता है उसको कवर कौन करता है, एक इंसुलेटिंग मटेरियल कवर किया जाता है मेटल प्लेट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे जो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड में हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे है थिन मेलिएबल मेटल प्लेट। तो अब थिन मेलिएबल मेटल प्लेट का मतलब, मेलिएबल का मतलब कि फ्लेक्सिबल होता है। तो ये जो ऐसा जो थिन मेलिएबल मेटल प्लेट जो होता है वो कवर किया जाता है इंसुलेटिंग मटेरियल से, ये भी कवर होगा, तो ये रबर पैड से कवर होता है। और ये बहुत ही इजिली मोल्डेड होता है, मतलब कि जो बॉडी पार्ट जो भी ट्रीट किया जा रहा है, तो जैसा भी बॉडी पार्ट है उसके अनुसार हम इसको इजिली मोल्ड कर सकते हैं और उसको हम ट्रीटमेंट में ला सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका थिक रिजिड मेटल प्लेट। अब थिक रिजिड मेटल प्लेट में भी इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, तो इंसुलेटिंग मटेरियल इसमें जो होता है वो होता है या तो रबर या तो प्लास्टिक होता है। तो यहाँ पे एक चीज देख लेते हैं कि जो भी इलेक्ट्रोड है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोड से क्या निकलता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस निकलता है। तो प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस का क्या प्रॉपर्टी होता है कि वो एज, ये जो इलेक्ट्रोड का जो एज है, या फिर अगर हम बोलते हैं कि कंडक्टर, तो कंडक्टर का जो एज है उससे कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है देन इन बिटवीन। मतलब कि जो कंसेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज एज ऑफ द कंडक्टर पे ज्यादा होता है, तो इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे अगर एज पे ज्यादा है तो यहाँ पे क्या होगा, कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा, तो यहाँ पे बर्न होने के चांसेस ज्यादा होंगे। इसलिए क्या किया जाता है कि इसको थोड़ा
कन्वेक्स इलेक्ट्रोड कर दिया था, तो कन्वेक्स इलेक्ट्रोड किया जाएगा तो यहाँ पे एकदम इवन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेगा, एंड इवन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेगा तो कोई रिस्क ही नहीं है। तो ये आपका थिक इलेक्ट्रोड मेटल का हम ये बता रहे हैं कि ये है फ्लैट। तो फ्लैट में क्या है, फ्लैट ये इलेक्ट्रोड है, ये क्या है, ये इलेक्ट्रोड है, और ये क्या है, लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पे जो एज है तो एज में कंसेंट्रेशन ज्यादा हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ये बर्न कर सकता है। लेकिन अगर यही इसी को हम कन्वेक्स इलेक्ट्रोड कर दें तो यहाँ पे क्या हुआ, स्प्रेड आउट कर गया, तो ये क्या हो गया कि इवन इलेक्ट्रिक फील्ड देने लगा, तो इसे बर्न नहीं होगा। अब नेक्स्ट आता है डिस्क टाइप इलेक्ट्रोड। तो डिस्क टाइप इलेक्ट्रोड क्या होता है, सो ये जो डिस्क टाइप इलेक्ट्रोड है ये ओब्वियसली ये ज्यादातर डिस्क शेप का होता है, सर्कुलर होता है, और ये स्किन से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहता है। यहाँ पे स्किन और इलेक्ट्रोड के बीच में एयर एक स्पेसिंग मटेरियल का काम करता है, इंसुलेटिंग मटेरियल का काम करता है। और यहाँ पे क्या है कि जो डिस्क टाइप इलेक्ट्रोड होता है ये भी कवर होता है ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से कवर होता है। जैसे कि इसमें हम बताए थे कि इसमें किससे कवर होता है, इसमें होता है रबर पैड से। इसमें कौन सा इंसुलेटिंग मटेरियल है, इसमें भी कवर होता है रबर से या फिर प्लास्टिक से। और जो डिस्क टाइप इलेक्ट्रोड है इसमें भी कवर होता है ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से। अब नेक्स्ट बात करते हैं साइज ऑफ इलेक्ट्रोड। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड की बात कर लिए, अब साइज ऑफ इलेक्ट्रोड में क्या होता है कि ज्यादातर जो दो इलेक्ट्रोड होता है, ये दो इलेक्ट्रोड ये सेम साइज का ही होना चाहिए। अगर ये डिफरेंट साइज का होता है तो क्या होगा कि डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज रिक्वायर करेगा टू चार्ज देम। ये जो इलेक्ट्रोड है, तो इलेक्ट्रोड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट साइज का है, ये डिफरेंट साइज का है, तो डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लगेगा ये दोनों को चार्ज करने में। और एज पर द रूल क्या कहता है कि इलेक्ट्रोड क्या होगा कि इलेक्ट्रोड बड़ा होना चाहिए एज कंपेयर टू द पार्ट टू बी ट्रीटेड। जो भी पार्ट ट्रीट किया जाएगा, जो भी बॉडी पार्ट ट्रीट किया जाएगा, उससे थोड़ा बड़ा ही होना चाहिए इलेक्ट्रोड को। क्यों ऐसा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो स्प्रेड करता है एट द एजेस। पहले हम बताए थे कि एजेस पे वो स्प्रेड आउट करता है, इसीलिए जो बॉडी पार्ट है उसको सेंटर पे रखना चाहिए। तो यहाँ पे हम साइज ऑफ इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट साइज ऑफ इलेक्ट्रोड है, तो ये एक छोटा है और ये एक बड़ा इलेक्ट्रोड है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इन कंपैरिजन टू यहाँ, तो क्या होगा कि यहाँ पे डिस्पर्शन होने लगेगा और यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, तो ये एडवाइजेबल नहीं होता है कि अनइक्वल साइज ऑफ इलेक्ट्रोड को यूज करना। अब नेक्स्ट आता है आपका कि अगर जो इलेक्ट्रोड है, ये जो इलेक्ट्रोड है ये बहुत ही बड़ा हो गया, जैसे कि हम बताए थे कि इलेक्ट्रोड जो बॉडी पार्ट है जो ट्रीट किया जा रहा है उससे बड़ा होना चाहिए, लेकिन टू लार्ज, बहुत ही ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। और अगर ज्यादा बड़ा हो जाता है तो यहां से आप देख सकते हैं कि ये एजेस से डिस्पर्स हो रहा है, तो डिस्पर्स हो रहा तो क्या होगा कि वेस्ट ऑफ एनर्जी है, तो ये भी एडवाइजेबल नहीं है। और यहाँ पे क्या है कि करेक्ट साइज ऑफ इलेक्ट्रोड एकदम करेक्ट होना चाहिए, न ज्यादा बड़ा न ज्यादा छोटा। तो यहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रोड है, ये जो ये क्या है, ये लाइन ऑफ फोर्स है, एंड ये जो बीच में क्या है, ये टिश्यू है जो कि ट्रीट किया जा रहा है, तो ये करेक्ट साइज ऑफ इलेक्ट्रोड है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर क्या होता है कि जब इलेक्ट्रोड एकदम छोटा हो जाएगा, स्मॉलर इलेक्ट्रोड, मतलब कि जो बॉडी पार्ट जो हम ट्रीट कर रहे हैं ये बड़ा हो जाए और जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड का प्लेट है, ये छोटा हो जाए, तो क्या होगा इस केस में, तो इस केस में क्या होगा कि ये जो सुपरफिशियल पार्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, यहाँ का एरिया, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, तो एज अ रिजल्ट कि ये जो डीप स्ट्रक्चर है यहाँ पे हीटिंग कम प्रोड्यूस होगा और सुपरफिशियल पार्ट में हीटिंग ज्यादा होने लगेगा, तो सुपरफिशियल पार्ट में हीटिंग ज्यादा हो जाएगा और डीप में कम होगा, तो ये भी सही नहीं है। तो स्मॉलर इलेक्ट्रोड भी नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, एकदम करेक्ट साइज ऑफ इलेक्ट्रोड होना चाहिए। तो अब तक हम क्या बात कर लिए, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड बात कर लिए, साइज ऑफ इलेक्ट्रोड बात कर लिए, अब आता है स्पेसिंग ऑफ इलेक्ट्रोड कि दो इलेक्ट्रोड के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए। तो इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रोड है, ये दोनों इलेक्ट्रोड है और ये लाइन ऑफ फोर्स है। तो अगर दोनों इलेक्ट्रोड डिस्टेंस टू स्मॉल, अगर दो इलेक्ट्रोड के बीच में बहुत ही कम डिस्टेंस अगर होता है तो क्या होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एजेस से जो इलेक्ट्रोड का एज है इससे क्या कर रहा है, ये जो लाइन ऑफ फोर्स है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये स्प्रेड आउट कर रहा है, तो ये स्प्रेड आउट कर रहा है, दैट मीन्स कि इट इज ऑब्वियसली अ वेस्ट ऑफ एनर्जी, तो ये स्प्रेड आउट कर रहा है, तो इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिस्टेंस है वो इतना भी स्मॉल नहीं होना चाहिए। अब दूसरा क्या है कि इलेक्ट्रोड्स क्लोजर टू द बॉडी, अब जो ये बॉडी है,
ये जो बॉडी पार्ट है, ये बॉडी पार्ट, ये इलेक्ट्रोड का प्लेट है और ये लाइन ऑफ फोर्स है। तो अब ये जो बॉडी पार्ट है, अब बॉडी पार्ट से इलेक्ट्रोड का प्लेट काफी नजदीक है, दिख रहा है ये काफी नजदीक है। तो अगर काफी नजदीक है तो यहाँ पे कंसेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। तो कंसेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो जाएगा, दैट मीन्स की सुपरफिशियल हीटिंग यहाँ पे हो जाएगा। तो सुपरफिशियल हीटिंग हो जाएगा और डीपर हीटिंग जहां पे होना चाहिए वहां पे तो होगा नहीं ज्यादा, कहां पे होगा, सुपरफिशियल हीटिंग होगा, तो ये भी ज्यादा सही नहीं है। अब क्या है कि नेक्स्ट आता है ये कि अगर इलेक्ट्रोड एट इवन अनइवन डिस्टेंस, मतलब कि ये क्या है, बॉडी है, ये बॉडी पार्ट है जो कि ट्रीट किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड प्लेट है, तो ये इलेक्ट्रोड प्लेट का जो दोनों का डिस्टेंस है ये कितना कम है और ये कितना ज्यादा है, तो मतलब कि अनइवन डिस्टेंस पे अगर रखा गया बॉडी पार्ट के अनइवन डिस्टेंस पे अगर इलेक्ट्रोड को रखा गया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड काफी ज्यादा है और यहाँ पे कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड काफी कम है। दैट मीन्स कि जहां पे जो बॉडी है, ये जो बॉडी का सरफेस है, ये बॉडी का जो सरफेस है वो जिस प्लेट से काफी नजदीक होगा यहाँ पे सुपरफिशियल हीटिंग ज्यादा होगा। दैट मीन्स कि इस साइड का हीटिंग ज्यादा होगा इन कंपेरिजन टू इसका, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे कंसेंट्रेशन कम है इलेक्ट्रिक फील्ड का और यहाँ पे ज्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेंट्रेशन, तो यहाँ पे ज्यादा हीटिंग होगा इन कंपेरिजन टू दिस पार्ट। नेक्स्ट है एडिक्वेट डिस्टेंस। तो एडिक्वेट डिस्टेंस का मतलब कि नॉर्मल डिस्टेंस, कि ये जो बॉडी पार्ट है, ये इलेक्ट्रोड आपका प्लेस किया गया है तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एकदम इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पे ना ज्यादा होगा ना कम होगा, जितना चाहिए हीटिंग उतना ही होगा, यहाँ पे सुपरफिशियल हीटिंग भी नहीं होगा और जितना हमें जरूरत है डीप हीटिंग वो होगा। नेक्स्ट आता है कि स्पेसिंग बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। अगर जो दो इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिस्टेंस है, जो स्पेस है, अगर काफी कम हो जाता है, दैट मीन्स कि जो स्पेस ऑफ द इलेक्ट्रोड उतना ही होना चाहिए जितना कि जो इलेक्ट्रोड का जो विड्थ है, दोनों इलेक्ट्रोड का विड्थ के ज्यादा होना चाहिए। मतलब ये कि जो दो इलेक्ट्रोड है, दो इलेक्ट्रोड के बीच में जो स्पेसिंग होगा वो ज्यादा होना चाहिए एज कंपेरिजन टू द विड्थ ऑफ बोथ द इलेक्ट्रोड। तो अगर ऐसा नहीं होता है, दैट मीन्स कि दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो स्पेसिंग है वो कम हो जाता है इन कंपेरिजन टू द विड्थ ऑफ द इलेक्ट्रोड। सपोज कि इसका जो विड्थ है वो एक्स है और इसका विड्थ क्या है, दोनों का एक्स है, तो अगर ये एक्स और एक्स, दैट मीन्स कि टू एक्स अगर हो जाता है और इसका जो दोनों का जो डिस्टेंस है वो इससे कम हो जाता है, जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड का बीच का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाता है इन कंपेरिजन टू द विड्थ ऑफ द इलेक्ट्रोड। तो क्या होगा इस केस में कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसे जो पास कर रहा है वो आपका टिश्यू से ना होकर के वो एक दूसरे में ही चला जाएगा, मतलब कि एक दूसरे से पास करेगा ना कि आपका टिश्यू से होकर के जाएगा, टिश्यू से होकर के नहीं जाएगा, वो एक दूसरे से ही होकर के जाएगा। तो इसको अवॉइड करना है और इलेक्ट्रोड के स्पेस को मेंटेन करके रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं पोजीशनिंग ऑफ इलेक्ट्रोड। तो पोजीशनिंग ऑफ इलेक्ट्रोड में हम दो तरीके से पोजीशन करते हैं, एक होता है पैरेलली और दूसरा होता है ट्रांसवर्सली। दैट मींस कि जो टिश्यू है तो टिश्यू से हम कैसे, जैसे कि टिश्यू अगर पैरेलली पास कर रहा है तो हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन है उसके भी पैरेलली रखना है। दैट मींस कि इलेक्ट्रोड का जो प्लेट है वो वैसे हमें रखना है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हम इलेक्ट्रोड को हम इस तरीके से रखे हैं कि जो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पैरेलली पास कर रहा है एक दूसरे से। तो पैरेलली पास करेगा तो इसमें क्या होगा, इसमें जो डेंसिटी ऑफ लाइन, जो आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड में कहां पे डेंसिटी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डेंसिटी है वो कहां पे सबसे ज्यादा है, तो ऑब्वियसली एंकल के पास ज्यादा है, तो वहां पे हीटिंग ज्यादा प्रोड्यूस करेगा एंकल के, ना कि आपका वो जो फ्लेक्स्ड नी है और सोल है, तो वहां पे ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करेगा हीटिंग। कहां पे प्रोड्यूस करेगा, वो एंकल के साइड ज्यादा करेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज्यादा है। और वही बात अगर हम ट्रांसवर्स की बात करें तो ट्रांसवर्स मतलब कि टिश्यू से हम जो इलेक्ट्रोड को इस तरीके से पोजीशन करेंगे कि जो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ट्रांसवर्सली वो पास करेगा। तो ट्रांसवर्सली जब पास करेगा तो जो हीट है वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कोप्लेनर, तो कोप्लेनर में हम जो फर्स्ट वाला बताया था कि पैरेलल मेथड से पैरेलली हम उसको इलेक्ट्रोड के जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम पास करवाएंगे, तो ये जो कोप्लेनर को हम पैरेलल मेथड भी कहते हैं। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है वो साइड बाय साइड प्लेस किया जाता है, तो ये इलेक्ट्रोड है, ये टिश्यू सरफेस है और ये लाइन ऑफ फोर्स है, तो देखिए ये पैरेलल पास कर रहे हैं। अब नेक्स्ट आता है कॉन्ट्राप्लेनर। तो कॉन्ट्राप्लेनर को हम कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड थ्रू एंड थ्रू मेथड। तो इसमें क्या होता है कि ये आपका इलेक्ट्रोड है, ये बॉडी पार्ट है, तो इसके
आजू बाजू में रखा गया है, तो यहाँ पे जो पैड होता है, पैड इज प्लेस्ड ऑन ईदर साइड ऑफ द ज्वाइंट। जो ज्वाइंट है, सपोज करो कि ये नी ज्वाइंट है, तो नी ज्वाइंट के आजू बाजू में इसे रखा गया है। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पे डीपर टिश्यू हीट होता है। अब नेक्स्ट आता है मोनोप्लेनर। तो मोनोप्लेनर का मतलब यहाँ पे ये है कि एक ही इलेक्ट्रोड, मतलब दो इलेक्ट्रोड होता है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड यूज किया जाएगा। ओनली वन इलेक्ट्रोड इज यूज्ड ओवर द ट्रीटमेंट एरिया, और जो दूसरा इलेक्ट्रोड है उसको डिस्टेंट साइड पे प्लेस कर सकते हैं या फिर उसको नहीं भी यूज कर सकते हैं। और इससे जो निकलने वाला जो इलेक्ट्रोड से जो निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट प्रोड्यूस रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब लास्ट है क्रॉस फायर टेक्निक। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आप दो तरीके से देख सकते हैं। तो जो हाफ ट्रीटमेंट होगा वो ऐसे होगा, और हाफ ट्रीटमेंट होगा वो ऐसे होगा। दैट मीन्स कि हाफ ट्रीटमेंट में जो इलेक्ट्रोड है वो प्लेस किया जाएगा एक डायरेक्शन में, मतलब कि या तो मीडियली या तो लैटरली डायरेक्शन एस्पेक्ट में, मीडियल और लैटरल एस्पेक्ट में प्लेस किया जाएगा। और जो अनदर हाफ ट्रीटमेंट होगा, मतलब कि अनदर हाफ सेशन जो होगा, वो हम ऐसे ट्रीट करेंगे, मतलब कि जो प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड है वो चेंज हो जाएगा, मतलब कि एंटीरियर और पोस्टीरियर एस्पेक्ट में वो फिर हम इलेक्ट्रोड को प्लेस कर देंगे। तो ये हो गया कि फर्स्ट सेशन में हम ऐसे देंगे और सेकंड सेशन में हम ऐसे देंगे। तो ये जो मेथड होता है, क्रॉस फायर टेक्निक जो होता है, ये हम किस ट्रीटमेंट में हम यूज करेंगे, ये जो मेथड क्रॉस फायर टेक्निक है ये किस मेथड में यूज करेंगे, तो ये तो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ नी ज्वाइंट के लिए, साइनस के लिए, या फिर फॉर पेल्विक ऑर्गन के लिए हम इसको यूज करेंगे। सो अभी के लिए इतना ही। इससे जो नेक्स्ट वाला जो वीडियो आएगा उसमें हम केबल मेथड के बारे में बात करेंगे, देन फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ हीटिंग द टिश्यू के बारे में बात करेंगे, फिर इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, प्रिकॉशन, ये सारे चीज के बारे में हम बात करेंगे। सो इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।